नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक बहुत पुराना गीत था, शायद प्रदीप का लिखा हुआ था, कवि प्रदीप का। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी दुनिया को भ्रष्ट बताती थी, हर राजनीतिक दल को, हर नेता को आक्षेप करती थी। जंतर मंतर पर सबके चित्र लगाए गए थे, इंक्लूडिंग तब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे प्रणब मुखर्जी, उनके भी। और इनकी अगर पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें आप, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले इन्होंने उन नेताओं के बारे में क्या क्या कह रखा है आजकल, जिनकी चौखट पर जाकर के नाक रगड़ रहे हैं सहयोग हासिल करने के लिए। इसलिए सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदल सकती जितने अरविंद केजरीवाल बदलते हैं। इन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, इन्होंने शरद पवार के बारे में क्या कहा था वो भी सुनेंगे। लेकिन आज ये जानकर के मुझे ताज्जुब हुआ कि ये राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। इनका एक ट्वीट आया सुबह, इसमें इन्होंने कहा कि मैंने खड़गे और राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कह चुके हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है इस समय। मैं राहुल गांधी नहीं हूं जिसे मोदी जी डरा देंगे, सोनिया गांधी नहीं हूं जिसे झुका देंगे, हर अन्याय के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हूं। फिर दूसरा ट्वीट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या वाड्रा के खिलाफ मोदी जी सीबीआई रेड या एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, मतलब वो भी मानते हैं कि सीधी लड़ाई सिर्फ मुझसे है। अगला ट्वीट देखिए, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो अंबानी चलाता है, इसको खत्म करना है। और फिर देखिए, सोनिया गांधी ने कहा सरकार चलाना बच्चों का काम नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सब अरविंद केजरीवाल के सुविचार हैं कांग्रेस के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और उन्हीं राहुल गांधी से वो मिलने का समय मांग रहे हैं। एक दिन पहले वो शरद पवार के पास भी गए थे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर को जोड़ लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बहुत प्रणाम सर, दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये शरद पवार से जाकर के मिलते हैं और उनको पुष्प गुच्छ भेंट करते हैं, तो आपको कुछ याद आता है? आपको और दर्शकों को मैं एक छोटी सी क्लिप जरा सुनवाता हूँ अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खिलाफ और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ नोटिस जारी किए,
लंबा बोले थे, इसलिए मैं सारा तो नहीं सुनवाऊंगा, उतना टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये उस समय का इनका वीडियो है, जंतर मंतर का, जब शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे, और इनकी दृष्टि में बहुत ही भ्रष्ट किस्म के आदमी थे। इतने घोटाले, तेलगी सेलगी, और ये कल का चित्र इनका मुस्कुराते हुए और उनको पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए, तो ये इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया युग पुरुष में? आपने सर सुना दिया शरद पवार का, राहुल गांधी का तो वो ट्वीट से दिखा किस तरह से राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, वो किस तरह से सोनिया गांधी के लिए कहते थे कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। और सर ये तो सामान्य चीज है, पूरा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ये आंदोलन खड़ा किए थे, ये इनका पूरा आंदोलन ही तो उसी के खिलाफ था। और इसीलिए चूंकि उस समय देश उग्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कॉमनवेल्थ घोटाला आपको याद होगा, हर जगह पे दुर्गंध दिख रही थी, कोलगेट घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में 2G और कोलगेट का मामला जबरदस्त चल रहा था, पूरे सरकार की बदनामी जब हो रही थी तो केजरीवाल ने उसे एजेंडा बनाया और जनता के आक्रोश को एक तरह से एब्जॉर्ब करके वो अपने आप को आगे ले गए। उस समय एक तरह से भावनाओं का उन्होंने वो खेल किया, लेकिन ये आदमी कुछ ही दिनों बाद नग्न हो गया। ऐसा नहीं कि आज नग्न हो रहा सर, जिस पार्टी के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ इसने आंदोलन चलाया, जब सरकार बनी उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार बना ली, भले ही कुछ ही महीने में सरकार गिर गई, लेकिन उसी कांग्रेस, फिर उस कांग्रेस को पूरी तरह से दिल्ली में निगल लिया। 15 साल तक जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में एक छत्र थी, शीला दीक्षित के काम से हमारा वाकिफ है कि दिल्ली में आज आपको और हमें जो भी बदलाव दिख रहा है वो शीला जी के कार्यकाल का है। आज सड़क पे पूरे दिल्ली में आपको कुछ भी चाहे, वो ब्लू लाइन से DTC में बदलाव, आप और हम NCR में रहते हैं, आपने भी सर सफर किया होगा दिल्ली के ब्लू लाइन बसों में, क्या स्थिति थी। और आज अब नहीं मिल पाता है अवसर, क्योंकि हम लोग दिल्ली के बाहर नोएडा गाजियाबाद में रहते हैं और थोड़ा वक्त बदल गया, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन में लाख गुना बेहतर हुआ है। केजरीवाल की इसमें भूमिका क्या है, फ्लाईओवर का शहर हो गया दिल्ली, कुछ लोग मानते हैं कि स्कूल में कुछ काम हुआ है पॉजिटिवली, लेकिन जिस पार्टी के विरोध में, जिस सिद्धांत के विरोध में व्यक्ति आया उसी को निगल गया। ये तो आपने उसकी कहानी सुनाई सर, ये पहुंच गए उद्धव ठाकरे के घर, मैं वो वीडियो देख रहा था, पूरी बेइज्जती उद्धव ठाकरे के यहां हो रही है। उद्धव ठाकरे आसन पर बैठ गए खुद और इन चिरकुटों को स्टूल पे बैठा दिया और पूरा कुनबा लेकर के गए थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिसने केजरीवाल को आइटम गर्ल कहा था, कहा कि आइटम गर्ल में भी राखी सावंत इससे बेहतर है, उस उद्धव ठाकरे की चरण चाटने गए थे ये। अब ये क्यों गए थे, आपने एक चीज सुनाया, मैंने वो देखा नहीं था, कि केजरी का ट्वीट कि मैंने समय मांगा है मल्लिका अर्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से। ये राहुल गांधी कौन है भाई, मल्लिका अर्जुन खड़गे तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी कौन है, एक सजायाफ्ता अपराधी जो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टी में आज उसका कोई पद नहीं है, तुम उसके सामने गिर गिरा रहे हो, ये सामान्य बात नहीं है सर। दरअसल आपको याद होगा पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को बुलाया, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को जम करके फटकार लगाया गया कि तुम यदि अरविंद केजरीवाल को अहमियत दोगे तो हम तुम्हें साइड मानेंगे, और टाइट किया कि अरविंद केजरीवाल हमारे वोट बैंक पे कब्जा कर रहा है, दिल्ली उसने कब्जा कर लिया, पंजाब छीन लिया, गुजरात में जाकर के जमीन छीनने की कोशिश की, कर्नाटक में मना करने के बाद भी वहां गया, तो कांग्रेस को ये गुस्सा है कि केजरीवाल के कारण कर्नाटक में उसकी सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि केजरीवाल जो वोट काट रहा था वो कांग्रेस का काट रहा था। तो कांग्रेस के अंदर अब शुरू में तो कांग्रेस को लगा कि मेरे खिलाफ जो गुस्सा है वो बीजेपी को ना मिल पाए, वो सीट कांग्रेस केजरी ले ले, लेकिन अब जब आत्मघाती फैसला कांग्रेस को लग रहा है केजरी को खड़ा करना, जब ये एक तरह से वो क्या कहते हैं, जो मैं भूल रहा हूँ चीजों को, जो आप हाथ जिसके ऊपर रख दे वही खत्म हो जाए, भस्मासुर कह भस्म लीजिए, ये भस्मासुर भस्मासुर बन गया जब कांग्रेस के लिए, तो अब इस भस्मासुर को नष्ट करना चाहती है कांग्रेस। सर ये सामान्य बात नहीं है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे से समय मांग रहा है, इसके लिए केजरीवाल ट्विटर पे गिर गिरा रहा है, मतलब हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हो कि राहुल जी तुमसे तभी मिलेंगे जब तुम पब्लिकली कह दो कि तुम समय मांग रहे हो, मतलब तुम गिर गिरा रहे हो। ये बेहद असामान्य लगता है मुझे कि ट्विटर पे ये कहना कि मैंने समय मांगा है, ये
शरद पवार के लिए समय मांगा है तो नहीं पूछा तुमने, बताया तुमने। उद्धव ठाकरे के लिए तो नहीं बताया। ममता बनर्जी से मिलने जा रहे, समय मांगे, नहीं बताया। क्या ममता बनर्जी से राहुल गांधी का कद ज्यादा बड़ा है क्या? तो यह दिखाता है कि कांग्रेस ने इसे जमीन पर लिटा दिया है। वो अध्यादेश का जो मामला है जिसे केंद्र सरकार ने दबा दिया सर, वो सुप्रीम को पहली बार मोदी सरकार ने, जो हम लोग लगातार, मैं अपने शो पे कहता था कि एक समय ऐसा आएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उठा करके फेंक देगी कि नहीं मानते हम, जिस तरह से राहुल राजीव जी ने किया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार लक्ष्मण रेखा ऐसा साफ लगा कि उल्लंघन किया है, और इस अध्यादेश के मामले में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार अध्यादेश ले आई संसद से इसे पास कराने का। सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि अब खेल हो गया, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी जब इसके खिलाफ गए कि कंटेम्प्ट कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब उसका हाथ बंध गया, आने वाले समय में दिल्ली को राज्य की मान्यता खत्म हो सकती है। सरकार यदि मूड में आई तो दिल्ली की राज्य की मान्यता खत्म होगी, और जेल जाना तो सर इस आदमी का अब तय लग रहा है। क्योंकि जिस चीज पर हम लोग आने वाले हैं, वो जो एक टाइम्स नाउ ने दिखाया है उस वीडियो से तो साफ है कि अब बारिश इस केजरीवाल की, उससे पहले क्या वो सौरभ भारद्वाज की होगी जो सत्येंद्र जैन की जगह पे है। इन सब की कुंडली खुल गई है। ये गिरगिराहट, ये ट्विटर पे आकर के तलवा चाटना, ये साफ दिख रहा है कि केजरीवाल का कांड हो गया सर।